Hello student, today I am going to teach you painting chapter number 3, history and appreciation of art from 13th century AD to 18th century AD. After the decline of the powerful ruling dynasty, in different parts of India, there were hardly any patrons to support a large-scale project of art during 12th century AD, except few constructions of temple in Rajasthan, Bengal and Orissa. It was mainly restricted to building fort and maqbaras by the Muslim rulers who did not patronize sculptural art. But this period enriched Indian art with treasure of illustrated manuscripts. The manuscripts of this period belong to different religious sects like Hindus, Jain and Buddhist. The main center of this illustrated manuscript were in Bengal, Gujarat and Bihar. The manuscripts were made in Bengal and Bihar under the patronage of Pal dynasty, and it show a distinct style called Pala style. On the other hand, Jain religious manuscripts were written and illustrated in Gujarat. These panthis of manuscript are done on palm leaf. The script are written in beautiful calligraphic art, leaving some space for illustrations. 13वीं सदी से जो एडी हम कहते हैं 18वीं सदी एडी तक का काल का जो इतिहास है तथा उसका मूल्यांकन हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो 12वीं सदी ईस्वी में एडी में भारत के विभिन्न भागों में शक्तिशाली वंशों के पतन के बाद या डिक्लाइन के बाद कला के संरक्षणों का अभाव हो गया। मीन्स कला का कोई भी वो नहीं रहा, कला को और अच्छी तरह से बताने वाला नहीं रहा। फिर इस युग में बड़े स्तर पर कला की परियोजना का प्रारंभ नहीं हुआ। तथापि कह सकते हैं राजस्थान, बंगाल तथा उड़ीसा में कुछ मंदिरों का निर्माण हुआ। इस युग में मुस्लिम शासकों ने निर्माण कार्यों को किलों तथा मकबरों तक सीमित रखा। उन्होंने वस्तुकला को प्रोत्साहन नहीं दिया, परंतु इस काल में सचित्र हस्तलिपियां या पंडुलिपियां का मतलब होता है कि जो लिखने की जो शैली होती है काफी मात्रा में तैयार हुई, जिससे भारतीय कला समृद्ध हुई। और ये जो पंडुलिपियां थी वो विभिन्न भारतीय धर्म तथा संप्रदायों से संबंधित थी। इन धर्मों एवं संप्रदायों में मुख्य रूप से हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म शामिल हैं, और इन सभी या इन सचिव पंडुलिपियों का मुख्य केंद्र बंगाल, गुजरात तथा बिहार था। बंगाल तथा बिहार में ये पंडुलिपियां पाल वंश के शासकों के संरक्षण में तैयार हुई, जिसमें पाल शैली स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। दूसरी ओर जैन धार्मिक पंडुलिपियों बिहार में लिखी एक चित्रों द्वारा सजाई गई। ये पंडुलिपियां पाम पात्रों पर लिखी गई, जिसमें सुंदर लेख के बीच में चित्रों के लिए स्थान छोड़ दिया जाता था। नेक्स्ट है टेंपल आर्किटेक्चर वाज आल्सो डेवलप इन सम पार्ट ऑफ इंडिया इन दिस पीरियड। अमंग दिस द मार्बल टेंपल कॉम्प्लेक्स ऑफ दिलवारा एट माउंट अबू एंड टेराकोटा टेंपल ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा आर वेरी ब्यूटीफुल। भारत के कुछ भागों में मंदिर जो है वस्तुकला को भी इसी काल में बढ़ावा दिया गया। माउंट अबू के दिलवारा में संगमरमर के मंदिर समूह तथा बंगाल एवं उड़ीसा में पक्की ईंट के बने मंदिर बहुत सुंदर हैं। राजपूत पेंटिंग एंड मुगल पेंटिंग फ्लोराइज्ड फ्रॉम द 16th सेंचुरी एडी टू 19th सेंचुरी एडी। द राजपूत पेंटिंग वेयर कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोक पेंटिंग एंड अजंता पेंटिंग, वेल मुगल पेंटिंग वेयर कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन एंड राजपूत पेंटिंग आफ्टर द 18th सेंचुरी इंडियन आर्ट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। 16वीं सदी से
19वीं सदी ईस्वी तक राजपूत तथा मुगल चित्रकारी काफी फली फूली और समृद्ध हुई। राजपूत चित्रकला में लोक चित्रकला तथा अजंता चित्र कला शामिल थी, जबकि मुगल चित्रकला में फारसी तथा राजपुत्र चित्रकला का मिश्रण था। और 18वीं शताब्दी के बाद भारतीय कला का पतन हुआ, या हम कह सकते हैं वो खत्म होना शुरू हो गया। श्रृंगार, तो ये स्टूडेंट सी दिस पिक्चर्स, दिस इज श्रृंगार। श्रृंगार टाइटल है, श्रृंगार और स्टाइल है गुलर स्कूल, पीरियड है 18th सेंचुरी एडी एंड आर्टिस्ट अननोन है, मीडियम टेम्परा है। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हिंदी में श्रृंगार का मतलब होता है मेकअप, हम कहते हैं कि जब कोई तैयार होता है या हम इंग्लिश में कहते हैं मेकअप करना, तो यहाँ पे श्रृंगार लिखा हुआ है। और जो उसका शैली हम या पीरियड कह सकते हैं वो है 18th सेंचुरी। आर्टिस्ट जिसने बनाया है उसका कोई पता नहीं है। सो जस्ट लेट्स हम देखते हैं इसको। गुलर वॉज अ स्मॉल स्टेट नियर कंगरा वैली एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ द पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। दिस स्टाइल फ्लोराइज बिटवीन 1450 एडी टू 1780 एडी अंडर द डिफरेंट रूलर ऑफ दिस किंगडम्स। गुलर मिनिएचर वेयर थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ फ्लोक आर्ट टू मुगल मिनिएचर्स स्टाइल। द गुलर पेंटिंग रीच इट्स अ मेच्योरिटी इन द 18th सेंचुरी एडी। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स द फहारी स्कूल हैड इट्स ओरिजिन इन गुलर विच इन्फ्लुएंस्ड मैनी अदर फहारी स्कूल लाइक कंगरा। गुलर पेंटिंग आर कैरेक्टराइज्ड बाय जेन्युइन रोमांटिज्म ऑफ द मैत्री ऑफ कृष्णा एंड राधा विच इज स्टिल अलाइव लिविंग सिंबॉलिक ऑफ डिवाइन लव। स्टोरी ऑफ रामायण एंड महाभारत वेयर ऑल्सो यूज एज द टाइम्स ऑफ गुलर पेंटिंग अलॉन्ग विथ रॉयल पेथोरेट्स एंड कोर्ट सीन्स। द पेंटिंग श्रृंगार इज अ टिपिकल राजपूत पेंटिंग विद सच अ थीम्स। कंगना घाटी को के निकट गुलर नामक एक छोटा सा राज्य था। यह राज्य पहाड़ी शैली के चित्रों के लिए बहुत प्रसिद्ध था और 1450 ईस्वी से 1780 ईस्वी के दौरान यह शैली विभिन्न राजाओं के संरक्षण में काफी फलवित और समृद्ध हुई। गुलेर लघु या छोटा चित्रकला विकास के विभिन्न धारणों को पार करती हुई बहुत ही प्रसिद्ध हुई और इस पर लोक कला तथा मुगलों की जो लघु चित्र शैली का प्रभाव पड़ा। 18वीं शताब्दी ईस्वी में गुलेर चित्रकला अपनी परिपक्व अवस्था तथा परिपक्व मतलब वो बहुत फेमस हो चुकी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार पहाड़ी शैली का मूल गुलर में ही था जिसने कई अन्य पहाड़ी शैलियां जैसे कगड़ा को भी प्रभावित किया। गुलेर चित्र की प्रामाणिकता विशेष पौराणिक कृष्ण तथा राधा की प्रेम कथा है, हम देखते हैं। ये प्रेम कथा आज तक दिव्य प्रेम के जीवित प्रतीक के रूप में मानी जाती है। गुलेर चित्रकला में रामायण तथा महाभारत की कहानियों को भी दर्शाया गया है। इन कहानियों को शाही चित्रों तथा राजसभा के दृश्यों से सजाया गया है। श्रृंगार विशिष्ट राजपुत्र चित्रकला का उदाहरण है। अ ब्राइड इज बींग एडोर्नेट फॉर हर वेडिंग
द फिगर आर प्लेस इन अ परफेक्ट हार्मनी एंड बैलेंस अगेंस्ट अ आर्किटेक्चरल सेटिंग अ मेड इन प्रिपेयरिंग सैंडल पेस्ट इन द फोरग्राउंड अनदर वुमेन इज टाइंग an ankle on the foot of the bride. There are two standing figure. One is holding a mirror and other one is making a garland of flower. A lady is busy in combing the bride's hair with an assistance. An elderly woman is supervising the whole procedures. The painter's mystery in infusing the essence of sinence and elegance in the postures of the bride is noteworthy. The excusing face, graceful attitude, and soft harmony of colors are characteristic of Guler painting. एक दुल्हन को विवाह के लिए सजाया जा रहा है, ये आकृति वस्तुकला की चौखट में सामान्य संतुलन के साथ बनाई गई है। इस चित्र के अग्रभाग में एक नौकरानी चंदन का लेप तैयार कर रही है, दूसरी नौकरानी दुल्हन के पैर में पायल पहना रही है। इस चित्र में दो और आकृतियां हैं या पिक्चर है, खड़ी दिखाई हम देख सकते हैं, खड़े हुए दिख रहे हैं, जिनमें से एक आईना लेकर खड़ी है तथा दूसरी फूलों की माला बना रही है। एक महिला जो है किसी सहायिका के सहयोग से दुल्हन के बाल सवार रही है तथा एक बुजुर्ग महिला भी है इस सारे जो क्रियाकलाप क्रिया को या कामों का निरीक्षण कर रही है। कलाकार ने दुल्हन के लजाने तथा जो है किस तरह से वो शर्मा रही है उसका बहुत अच्छे से चित्रण किया है, उसकी जो भावना का प्रदर्शन किया है और कलाकार की कला का ये बहुत ही सुंदर प्रदर्शन है। संवेदनशील चेहरा है उसका, सौम्य व्यवहार है तथा रंगों का कोमल मिश्रण गुलेर शैली की विशेषता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप दिस लेसन यू अंडरस्टूड।